अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रखे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। और गाइस, हम आज आपको फिर से सस्ती शायरी सुनाने वाले हैं। और हमारी आज की सस्ती शायरी बिल्कुल वैसी ही होने वाली है, और मतलब कुछ रियलिटी बताएंगे हम उसको, उसमें आपको लाइक देख लो पे हमारी नेक्स्ट लेवल की सस्ती शायरी होती है। तो अर्ज़ किया है बाबा जी कि फल तो मुझे सब पसंद हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा है आम। वाह 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 वाह। मैंने खेली है इतनी पबजी कि घर वालों को याद हो गया पचिंकी का नाम। सस्ती शायरी विद द नॉनी मस बावा जे। तो सबके सब लाइक बटन ठोक दो गाइस। आज जो मैं आज बस दिल खोल के लाइक ठोक देना। और आज हम फिर से खेले थे डुओ वर्सेस स्क्वाड अपने साइलेंट भैया के साथ। एज की लॉबी थी ये। और गाइस लाइक कॉन्करर पुश करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया ना, कोई स्क्वाड नहीं है। और लाइक स्क्वाड में इतना मुश्किल होता था, सोच लो मैं सोलो में क्या मतलब। और पता कल तो मेरे ना गाइस 47 माइनस हो गए। बताऊँ क्या हुआ? लाइक उतर रहा था गाड़ी पे और पीछे से पूरा स्क्वाड आ गया, उसने मुझे नीचे कुचल दिया। और वो कुचल जाने के बाद मेरे हो गए 47 माइनस। और पता है चिकन करके कितने प्लस हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में? मेरा 8 स्टार हो गया है और उसमें प्लस हो रहे हैं। अगर मैं चिकन भी करता हूँ ना तो 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, मतलब क्या। और सोचो जब 47 माइनस हुए तो उनको प्लस करने में कितना टाइम लगेगा। तो बस थोड़े से दिन रह गए अब, पता नहीं मैं हिम्मत ना हार जाऊँ। ट्राई तो कर रहा हूँ, बाकी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आए थे हम गाइस कराची नोवो, और बंदे बंदे कोई नहीं आते, बट ये लॉबी होती है बहुत टाइट। हम मज़े से उतरेंगे नोवो अपने कराची और मज़े से करेंगे लूट। उसके बाद जो होगा ना गैस, मौत का नंगा नाच शुरू होगा। मैं मुझे पता मैं काफ़ी टाइम बाद ये अपना डायलॉग बोला, मौत का नंगा नाच। वो गैस हमारे ना डायलॉग इतने हो गए कि मैं भूल जाता हूँ। फिर हमने अपनी गधा गाड़ी उठाई गैस और आए थे मिलिट्री बेस जहाँ चली थी तीन तीन फ्लेयर। जी गैस, तीन तीन फ्लेयर चली थी और ज़िंदगी ने यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ गई थी। बट कोई बात नहीं बाबा जी, हमने साइड पर गाड़ी रोकी, बंदों की पोजीशन तो नहीं पता थी, तो हमने कहा सर साइड पर रोक लेते हैं, यहाँ पे पुलिस स्टेशन ऑफिस है, पता नहीं पुलिस स्टेशन कहते हैं उसको। तो यहाँ पे मज़े से लेने लगे गए हम TPP के, कोई बंदा नज़र आए, किसी का साउंड आए तो फिर हम लोग रश करें। वरना गाइस मिलिट्री बेस मुल्तान, मुझे इतना डर लगता है ना सिटी से, इतने बड़े बड़े घास, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे ऐसे कैंपर मिलते हैं आपको यहाँ पे कि आपकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है, बाबा जी बता रहे हैं हम आपको। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें एक मामा हीरदा नज़र आता है जो कि दीवार फलांग के अपना पिछवाड़ा हमें दिखाता है। फिर हम निकालते हैं बाबा जी नेट और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके फेंक देते हैं और जाके सीधा नेट फटता है बूम। और जैसे ही नॉक मिलता है तो हम लोग फैसला करते हैं बाबा जी हम करेंगे रश और निकाल लेते हैं अपनी बैरल। और बैरल ने बस आज ना मैंने बैरल के साथ वफा नहीं की तो हमें काफ़ी ख़राब करने वाला है। इसने साइलेंट को नॉक किया गया, मैंने फौरन से कवर दी, एक बंदा नॉक किया, अब दो बंदे इनके सामने हैं, वो रिवाइव हो चुका है। तो बाबा जी कुछ ऐसे करके हमने स्क्वाड किया फिनिश। और इतनी देर में एक पीछे से बंदा आ गया, उसने वहाँ से पिछवाड़े में हमारी गोली मारने की ट्राई की, बट हम जिंदा बच गए। फिलहाल के लिए साइलेंट को रिवाइव देने, मेरी भी 60% हेल्थ है शायद से, या 55% हेल्थ है। और वो बंदा करेगा रश और मैं रिवाइव नहीं छोड़ रहा था, वो बंदा बहुत क्लोज आ रहा था, उसको शायद से हमारी पोजीशन पता थी। और मैंने रिवाइव करके गाइस एकदम अच्छा किया, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने रिवाइव किया साइलेंट की भी, उसको बुलेट्स लगी और इस लाइक ये अकल इस्तेमाल हमने किया और हमने उस बंदे को कर दिया डाउन बाबा जी। और फिर गाइस यहाँ पे हमें तीन तीन फ्लेयर गन की लूट मिलने वाली है, इतनी मज़े मज़े की लूट। लेकिन मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मैंने बैरल से बेवफाई कर दी और उठा ली MK-14। और MK-14 का गाइस एक ग्लिच है, आप मुझे बताओ कि आपके साथ ये होता ही नहीं होता। जब रेड डॉट लगा के आप स्प्रे करते हो ना, आपका एम अटक जाता है और लाइक रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो पाता, आप एनिमी पे एम लेके जा रहे हो तो लेकिन नहीं जाता। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। अरे पब्लिक नींद आ रही है मेरे को, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। तो अगर आप लोगों के साथ होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर गैस हमें एक फेंकते नीचे स्मोक, और स्मोक स्मोक फेंकने के बाद, धुआं फेंकने के बाद हम जाएंगे और वहाँ हमारी पहली मोहब्बत AWM हमारा इंतज़ार कर रही होगी बाबा जी। तो हमने जाके यहाँ पे अपनी ओम पहली मोहब्बत AWM उठाई और लेवल 3 की वेस्ट वगैरह MK-14। भाई तीन तीन ड्रॉप की लूट पड़ी हुई थी। मुझे पता है आप लोग का दिल भी ना ललचा रहा है कि काश हम भी लूट उठा लेते बाबा जी, देख लो बस फिर कितनी अच्छी लूट मिली थी। और उसके बाद गैस ATX लगा लिया, यहाँ मैंने MK तो उठा ली, मैंने रेड डॉट तो उस पर लगा लिया, होलो लगाया था, बट अभी मुझे यहाँ पे रेड डॉट भी मिल जाएगा, फिर मैं रेड डॉट लगा लेता हूँ। तो बाबा जी लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है, और वो गड़बड़ ये होती है कि
जो एम अटकने वाला वो होता है ना ग्लिच, वो हो रहा होता है एमके पट्टी में मेरे साथ। हम लोग आ जाते हैं ब्रिज के पास, ब्रिज के एम वाला जोन होता है ये, और हम लोग डायरेक्ट ब्रिज पे नहीं जाते क्योंकि अच्छी लॉबी थी ये ना, जहाँ पे हम रुके यहाँ पे एनिमीज आके हमारे पिछवाड़े पे गोली मारे, हम दोनों साइड से सैंडविच होके हम लॉबी पहुँच जाएँ, तो हम ऐसा नहीं चाहते थे। और रुके भी हम अलग अलग घर में, अगर किसी एक पर रश होता तो दूसरा उसकी हेल्प कर दे। फिर थोड़ा सा वेट करता हूँ यहाँ पे, इतने पे आ जाती है मेहरान गड्डी। गाइस कौन के पास से गई, उसके बहुत पास से गई, और फिर मैं मारता हूँ। देखो गाइस एंड में ना वो एम अटक गया था और गाड़ी पे प्रॉपरली जा नहीं पाया, फिर डैमेज तो थे बंदे पे, मैंने एक नेट निकाला, एक नेट फेंकेंगे। गाइस जैसे अब से एनिमी थोड़ी दूर हो ना तो नेट किया करो, अगर बहुत क्लोज आ गए तो नेट मत निकालो, वो आपको मार देंगे। अगर इतनी दूर है ना कि आपके नेट कुक करने का, पिन करने का साउंड उनको नहीं जाएगा तो नेट निकाल लो। पिन भाई साहब के पाँव नजर आए, गाइस हमने इनको किया यहाँ से नॉक, और इनका एक और टीममेट बचा, ये दो थे। तो बाबा जी यहाँ पे हमने बहुत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए। ऊपर बगी जा रही थी, दो बंदे हैं गाइस, ये भी कौन के पास से गई, मैं ट्राई करता बगी से गिरा दूँ। गाइस देखो कोशिश करते रहा करो, समटाइम आपकी कोशिश है ना, आपको लग भी रहा होगा कि ऐसा नहीं होने वाला, बट वो करो, और आप कुछ ऐसा कर दोगे ना कि आप खुद हैरान हो जाओगे, अरे ये मैंने कैसे कर दिया। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, अभी देखो बगी पे इम्पॉसिबल था बट मैं ट्राई कर रहा था, शायद से बंदा नॉक हो जाए और आप लोगों को भी कुछ ऐसा दिखने को मिले और मुझे भी कुछ ऐसा फील हो कि मैंने कुछ अलग ही कर दिया। तो कोशिश करते रहा करो गाइस, उसके बाद हमने इनकी मदद से लूट। बट जो हमारे साइलेंट भैया हैं उनका ये कहना था कि ऊपर बंदे उन पे जाके करते हैं रश और किल उठाते हैं, तो हमने कहा भैया जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमें पहले नॉक करना पड़ेगा, और ऊपर जाके वो हम पे शॉट ले रहे थे, उतना दूर था कि वो सही से नज़र भी नहीं आ रहा था, बट हमने कान के नीचे लगाया, जैसे ही वो नॉक हुआ फिर हमने फंसले के रश करेंगे। मैंने ट्राई किया मतलब, लेकिन वो रिज के पीछे जा चुका था, और दूर हो तो कुछ ऐसा ही रिज नज़र आता है आपको, लाइक गायब हुआ रहता है रिज। फिर गाइस हम बैठे अपनी मेहरान, नहीं ये तो गधा गाड़ी, यस गधा गाड़ी में बैठ के गाइस हमने कर दिया बाबा जी रश ऊपर, और साइलेंट भैया चला रहे थे, इनको पोजीशन नहीं पता थी, मैंने पूरा मार्क किया कि बंदे कहाँ पर है, बट इन्होंने ना क्या घटिया गाड़ी रोकी थी, जिंदगी खतरे में आ गई थी अगर वो स्प्रे कर देते। बट कोई बात नहीं बाबा जी, साइलेंट भैया हमारे बहुत अच्छे हैं, समटाइम हमारी ऐसी ऐसी जगह से जिंदगी खतरे में होती है, बचा लेते हैं हमको। तो मैं इनको कह रहा था रोको, ओके करने की बजाय ना हेल्प, ये देखो गाइस फिर वो अटक गया था, ये आपने देखा एमके। और यहाँ पे गाइस मैंने एक नॉक दिया, लेकिन ये बात है ये गन पावरफुल बहुत है, बहुत पावरफुल गन है, इस जैसी पावरफुल गन भाई गेम में नहीं है, सबसे पावरफुल गन है ये। और फिर गाइस हम रश कर रहे थे ऊपर एमके लेके, 15 गोलियां बची थी, एक बंदा नॉक है और ये बंदा साइलेंट को मारता, गाइस मैं जाग के इसको कर देता हूँ यहाँ पे फिनिश, और फिर इनकी मदद से करते हैं लूट। उसके बाद लूट करने के बाद गाइस हम वापस से नीचे आते हैं, ये होता है हमारे साथ कुछ। गाइस जब भी आपके साथ ऐसा हो फौरन से गाड़ी से जंप कर दो, वरना आप अंदर फटोगे, गाड़ी ब्लास्ट होगी और मर जाओगे। बहुत बार ऐसे मरा हूँ मैं, अगर आप अभी मतलब कभी भी ऐसे मरे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। और फिर हम गाइस आ जाते हैं वापस अपनी जगह पे जहाँ पर हम थे। लॉबी काफ़ी हार्ड थी गाइस, बैक टू बैक गाड़ियाँ आ रही थी, बैक टू बैक रश हो रहा था, और एस की लॉबी थी यूरोप की, तो आपको पता है कैसी होती है, बट हम लोग एकदम रश करके खेले थे ताकि आप लोग के लिए किल्स निकाल सकें, एक अच्छा गेम प्ले बन जाए। और इतने में गाइस हो जाता है एक और गाड़ी का रश हम पे, वो सामने आकर रुकी थी, और एक गाड़ी हमारे पीछे आकर रुक जाती है, वो पूरा स्क्वाड था, ये दो बंदे थे। एक नेट फेंका गाइस मैंने और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बट बंदे हैं पे टीवी पे लेके साइलेंट को मार देता, मैं दूसरा नेट भी कुक करके फौरन से यहाँ पे फेंकूंगा कि शायद से यहाँ पे हमें नॉक मिले, और नॉक मिल जाता है। और फिर मैं एक और नेट निकालता हूँ, बाबा जी नेट है तो फिर करेंगे, मैंने 5-6 नेट उठा रखे थे, और फिर एक और नेट किया, इससे किल कंफर्म होता है, लेकिन मैंने किल फील्ड देखा, गाइस किल फील्ड देखा करो और अपने किल याद रखा करो, तो इसका मतलब एक ही नॉक ऑन फिनिश हुआ, एक बंदा बाकी है। फिर मैंने कर दिया रश, और उसके बाद किल मिल गया गाइस, यहाँ पे भी वो हल्का सा ग्लिच हुआ था मेरे साथ बट ज़्यादा नहीं हुआ। और उसके बाद आके हम लोग करेंगे यहाँ पे हील, और गाइस वो बंदा देखा आपने, अब देखा ना हेडशॉट गाइस, बाबा जी अगर अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका तो ठोक दो, क्या हेडशॉट था गाइस, मज़े से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा हेडशॉट था, और माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ मैं ये भी बोला करूँगा, और लाइक काफ़ी मज़ा आया था मुझे हेडशॉट मार के, मैं बड़ा खुश हुआ था। और फिर नेड निकाला गाइस, और नेड भी इतना ज़्यादा कुक कर दूंगा ना कि वो शायद सही से फटेगा नहीं वहाँ पे, और दूसरा नेड एक ही बचा था मेरे पास, और ये वाला नेड भी मैं गलत कर देता हूँ, समटाइम मैं बहुत ठीक नेड करता हूँ लेकिन समटाइम मैं एकदम घटिया नेड कर देता हूँ, अपनी सस्ती शायरी की तरह सस्ते नेड, मैंने बहुत कुक कर लिया। और फिर पता नहीं ये क्या हुआ, मैं नीचे बैठा दीवार पर लगने वाला था, खड़ा हुआ पैनिक होकर नेट ख़राब हो गया, और यहाँ पे मेरे पास नेट नहीं बचा थी, मेरे पास बड़ी बुरी लाइक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर थी हमारे लिए। हील तो मैंने कर लिया गाइज, अब बंदा टीपी भी ले रहा है,
ये लाइक डैमेज गाड़ी के पीछे, मैंने साइलेंट को बताया भाई वहाँ पर है नेट कर दे, साइलेंट नेट किया, वहाँ पे दो बंदे फट जाएंगे गाइस। अभी इनके दो ही बंदे बचे थे, ये फाइट हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गई थी, लेकिन ये स्क्वाड था काफ़ी अच्छा। उनके बंदे एक उस कोने में था और एक उसको डैमेज दिया, बट ये नॉक नहीं हुआ। लेकिन साइलेंट भैया गलत टाइम पे नॉक हो गया और यहाँ मेरे लिए मुसीबत जो है वो बढ़ते हुए, नेट भी नहीं था मेरे पास और यहाँ पे मेरी एम के भी ग्लिच करने लगी थी और मैं जिंदगी आ देखते हैं। अब मैं रिवाइव दिया और साइलेंट भैया हट गए वहाँ से और दोबारा से जो है कैंसिल हो गया रिवाइव। तो यहाँ हमारे लिए मुसीबतें और डबल हो गई थी और ये बंदे अगले टाइम पर रश कर देते हैं और दोनों साथ में रश करते हैं और एकदम गलत मार रहे थे और यहाँ पर मारा बन जाता है बाबाजी क्रेट। तो इस एग्रेसिव इस अच्छे गेम प्ले का यहाँ पे होता है एंड गाइज, और माइनस तो नहीं हुए थे बट हमारा बन गया क्रेट। तो अभी मैं थक चुका था गाइज, नींद आ रही थी, फिर चिकन डिनर लाइक मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा आप लोग के लिए एक एग्रेसिव गेम प्ले था ये मैं अपलोड कर दूँ। उसके बाद मैंने कहा TDM के बगैर तो गुजारा नहीं है और इसमें भी हम करेंगे सस्ते नशे। पिछवाड़ा ज़मीन पर घिसता हुआ आगे बढ़ रहा है हमारा बंदा। इस बार गाइज मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ पैन से मारूंगा और ये काफ़ी ज़्यादा फनी हो गया था। तो लाइक नेट से मार रहा था पहले और उसके बाद मैं डिसाइड किया था पैन से मारूंगा। तो एक बंदा आता है, इसके साथ गाइस देखना फनी सीन होता है, ग्रोजा निकाली है भैया ने, हमने पैन निकाल लिया और फिर हम जाएंगे टन पिछवाड़े पे पैन मार के गाइस किया फिनिश सस्ता नशा नंबर वन। हाँ अभी नंबर टू होगा, देखते कितने सस्ते नशे करते हैं। सस्ता नशा नंबर वन हो चुका है, पीला पैन हमने निकाल लिया और पीला पैन एनिमी के पिछवाड़े में मारने का हमारा प्लान था। और वेट कर रहे थे गाइस हम कि और कोई बंदा आए तो हम भाग के उसके पिछवाड़े, ओ भाई नजर है, तो हम पिछवाड़ा ज़मीन पर घिसते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि जल्दी से पहुंच सकें। आहा हा हा, पीक लेके मार रहे हैं लौंडा, नीली शर्ट पहन रखी है बिना स्किन के इनका हेलमेट, और दूसरा किल हमने उनके पिछवाड़े में पैन मार के लिया। एक बार भैया आ चुके हैं, ये नीचे स्लिप हो गए, जल्दी से बच जाते ना क्या मज़ा आता है गाइस। वो तीन तीन बंदे आ गए, आहा हा हा, वाह भाई वाह वाह स्कारल वाले, आए हाय हाय कारल ही चला रहे ना गाइस ये, हाँ शायद से, लेकिन मुझे साउंड नहीं आ रहा है, मैं एडिट कर रहा हूँ तो कान के नीचे, हाँ कारल थी कान के नीचे लगाया, हमारी हेल्थ कम हो चुकी है, भागेंगे। ओहो हो हो, अरे ग्रोजा वाले गाइस क्या इसको हम मार पाएंगे, क्या इसको हम मार पाएंगे, वो मार दिया। अगर आपको लगा था कि हाँ मार पाएंगे तो आपने एकदम सही सोचा था, अगर हमारी हेल्थ कम हो गई थी आपने सोचा था कि नहीं मार पाएंगे तो आपने बड़ा गलत सोचा था भैया। हमारा किल चोरी होते हुए दो दो बंदे आ गए, हमें देख ही नहीं रहे, मतलब क्या नहीं मतलब क्या बाबा जी, गाइस इसको सस्ते नशे देखो, भागिए जनाब, कब तक भाग सकते हैं आप, हमारा पिछवाड़ा पर पैन पड़ेगा, नहीं हमारे पैन पे आपका पिछवाड़ा पड़ेगा, नहीं हमारा पैन आपके पिछवाड़े पड़ेगा। यस मैं मतलब कंफ्यूज हो गया और रोज़ा रख के एडिटिंग कर रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है गाइस, मैं जल्दी से अपलोड करके ना सो जाऊँगा ये। और फिर ग्रोजा हमारे पिछवाड़े में पड़ी, हम यहाँ पे हो गए डाउन, लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, 6 किल कर चुके हैं हम TDM में पैन से। और मैं आप सबको चैलेंज देता हूँ, लाइक फ्रेंडली चैलेंज है ओके, लाइक आप लोग ट्राई करना कि आप लोग पैन से कितने ज़्यादा किल कर सकते हो TDM में। तो अब मेरे किल देख लोगे पैन से, और नेट से जो किया वो आप इग्नोर कर देना, लेकिन नेट से तो मैंने शायद से किया नहीं, बट हाँ मैं नेट कर रहा था। यस तो आप लोग अनोनिमस की पब्लिक को मेरा चैलेंज है कि आप लोग ट्राई करना कि आप पैन से कितने एनिमी मारते हो, और फिर इसी वीडियो के नीचे आके आप लोग कमेंट करना कि हमने इतने एनिमी मारे थे। और ये लेट गए थे भाई साहब पिछवाड़ा, ओ ग्रोजा ग्रोजा वर्सेस पैन, और पिछवाड़े में पड़ गया आपके पैन, तो आपकी आपका पिछवाड़ा हो गया TDM में बैन, खराब से शायरी भी दरमोनी बस लॉल। आह वाह भाई वाह, हमारे टीममेट को ग्रोजा से मारा, हमने इनको पैन से मारा। गाइस जम करके मारने का ट्राई किया करो पैन से, इसका क्या होता है कि पैन लगता है हेड पे, और हेड पे लगने के बाद जो ना समटाइम एक ही हेड शॉट से पैन के ना आपका एनिमी डाउन हो जाता है। तो अब जम करके मारने का ट्राई किया करो, और उसके बाद हम मज़े से लेते थे TPP के, कोई तो आएगा TPP ले लेते हम, आए आए महान हस्ती है, एक पैन पड़ा दूसरा पड़ा एनिमी डाउन। गाइस क्या गंदी इनको मतलब गुस्सा आ रहा होगा इनको कि पैन से मर रहे हैं, इज्जत ही नहीं है, ग्रोजर लेके भी पैन से मर रहे हैं, बट कोई बात नहीं बाबा जी हम आराम से कर रहे थे वेट। आहा हा हेल्थ पूरी होने सर, आए हाय हाय एक लगा, दूसरा तुझे ही मारूंगा भाई मेरे, ओए होए मार गया ये, इसका टीममेट हेल्प के लिए आ गया था, उसने काफ़ी हेल्थ खा ली मेरी। और गाइस हम 10 किल कर चुके हैं बाबा जी पैन से, तो देखते हैं ये पैन चैलेंज आप लोग कितने किल कर सकते हो TDM में, आप लोग ट्राई ज़रूर करना पब्लिक। और लाइक मैं प्यार से चैलेंज दे रहा हूँ, कोई लाइक गुस्से वाली बात नहीं है, नाराज़ नहीं होना, ऐसे प्यार से चैलेंज है, आप लोग ट्राई करना। एनोनिमस की पब्लिक को सिर्फ ऐसे फनी वाला चैलेंज है ठीक है, क्योंकि मज़ा आएगा आप लोगों को भी ये चैलेंज करते हुए, और आप लोग का रोज़ा भी थोड़ा सा मज़े में गुजरेगा। और फिर आप लोग आके कमेंट करना कि हमने इतने किल किए, और 31 किल हमारे हो चुके थे टीम के और मेरे 11 हो चुके थे, और फिर मैं पैन लेके घूम रहा था, और ग्रोजा ना
वो गंजे वाला रिएक्शन दे रही थी, वो क्रिकेट वाला आपने देखा ना, वो दोनों हाथ अपने लाइक टमी पे रख के वो गंजा रिएक्शन दे रहा होता है, वो वाला ग्रोजा रिएक्शन दे रही कि हमें किस लिए रखा हुआ है। आए एक पड़ी गया, नहीं पड़ी नहीं पड़ी। ओहो भाई मत, अल्लाह करे तुझे ज़्यादा पकौड़े खा के फ़ौरन से जाना पड़े ऑफिस में। हाँ हमें बार बार मार रहे हैं, मतलब इज्जत ही नहीं है, ग्रोजा उठा के जुलम कर रहे हैं हम पे। आहा, रीलोड लग गई गाइस, मैं फ़ौरन से आके भाग रहा था इस बंदे पे, और उसने फिर से हम पे अत्याचार शुरू कर दिया, हम पीछे भाग लिए, लगा दो दो आ गए भाई मत मान। ओ मर गया, ओ ये भी मर गया गाइस, क्या तीन लॉल गाइस, दो बंदे मार दिए थे हमने बैक टू बैक गन वाले पैन से। लॉल एक किल बचा था, वो शायद से मेरे टीममेट कर देंगे और इस तरह हमें मिलेगी विक्टोरी। और 13 किल गाइस मैंने पैन से किए थे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट से जरूर बताना, बिनी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाना और सपोर्ट करते रहना, और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, वहाँ मज़े मज़े की मैं क्लिप्स अपलोड करता हूँ। बाकी गाइस इंशाल्लाह मिलेंगे कल, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।